हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, पार्ट नंबर अपना 4 है। सिटिंग अरेंजमेंट अपन डेली देख रहे हैं। आरबीआई, एसबीआई, आईपीएस, इंश्योरेंस सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट अपनी सीरीज चल रही है और शॉर्टकट एंड ट्रिक्स के रूप में अपन देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। मेरा नाम सचिन सोनी है, इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं। और आप सभी को पता है इसके अंदर अपन जो लीनियर जो आपका टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लीनियर यानी कि रैखिक, इस प्रकार जो क्वेश्चन आपके होते हैं रैखिक और सिटिंग अरेंजमेंट आप काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आपका बैंक का हो, इंश्योरेंस का हो, एसएससी का हो, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मेरा नाम सचिन सोनी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नया चैनल है सपोर्ट कीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। आशुतोष सर आपको क्वांट करा रहे हैं, कल अपनी क्लास 10 AM पर अपनी लाइव आएगी। एक मेरी क्लास 10 AM पर लाइव आएगी, दोपहर में अपनी 1 PM पे अपनी लाइव आएगी। दो क्लासेस, एक क्लासेस आएगी आपकी 10 PM पे। इस प्रकार से अपनी 3 क्लासेस मेरी आने वाली है कल से। और आज तो सर आपको करवा ही रहे हैं क्वांट और मैं आपको करा रहा हूँ लीनियर। आज आपका टाइप नंबर 3rd है लीनियर के अंदर। इस टाइप नंबर 3rd में क्या होगा कि आमने सामने जो पर्सन बैठे रहते हैं, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, रीड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन आपको क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द ब्लॉक क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ना है और फिर उसके बाद इसका आंसर को आपको देना है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली 10% आपके बैठे बैठे हुए हैं सिटिंग 2 पैरेलल रो, यानी कि 2 पैरेलल रो है आमने सामने इस प्रकार से। ठीक है, आमने सामने इस प्रकार से आपकी 2 रो हैं वहाँ पे आपके बैठे हैं। 5% ईच रो, यानी कि 5% आपके 1 रो में बैठे हुए हैं। इन्हें रो 1 यानी कि फर्स्ट वाले रो, यानी कि ABCDE, ये आपके सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है। बाकी जो रो सेकंड वाले हैं उनका फेस साउथ की तरफ है। तो एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। आपको ये कह रहा है फर्स्ट वाली जो रो है, यानी कि इस प्रकार से आपकी एक रो है, इसमें आपके 5% आपके बैठे हुए, 2 तो ये हो गए आपके, 3, 4 और ये 5, इन सभी का फेस आपको कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और ये कौन है आपके, ये है आपके ABCDE, यानी कि ABCD और E, ये तो आपके बैठेंगे नॉर्थ की तरफ फेस करके। और LMNOP ये बैठेंगे आपके साउथ की तरफ फेस करके इस प्रकार से। ठीक है, साउथ की तरफ फेस करके आमने सामने बैठेंगे, ये आमने सामने इस वाली लाइन के सामने बैठेंगे, तभी आपके आमने सामने माना जाएगा। हर पर्सन एक दूसरे के सामने बैठेगा ऐसे। ठीक है, अब ये वाले जो पर्सन ऊपर वाले हैं, इनका फेस साउथ की तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। ठीक है ना, अगर इनका फेस साउथ की तरफ है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये होगी, राइट हैंड साइड आपकी ये होगी। ठीक है ना, अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है नीचे वाली रो का, तो ये राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपका टाइप नंबर 3rd में कंसिडर किया जाएगा, टाइप नंबर 3rd के अंदर। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 आपको बता ही दिया मैंने, ओपन देख रहे हैं टाइप नंबर 3rd। तो इस प्रकार से आपका ये दे रखा है, 2 आपके आमने सामने इस प्रकार से होते हैं, तो 5% आपके साउथ की तरफ बैठे हैं, 5% आपके नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और जो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, यानी कि साउथ की तरफ फेस करके, वे कौन कौन है, वह आपके LMNOP है। अब जो आपको कंडीशन बोली जाएगी वो अपन इसको आसानी से अपन कर पाएंगे। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन कर रखा है और इंग्लिश में भी कर रखा है। ठीक है ना, तो इसको अपनाना स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से इसकी अप्रोच रहने वाली है, किस प्रकार से इसको करना चाहिए, वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 2 कंडीशन आपको लेके चलनी होगी स्टार्टिंग में, बाद में आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो जाएगी, आपको 2 कंडीशन लेने की जरूरत ना पड़े, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, 2 कंडीशन आपने ले ली है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, इनका फेस अभी का साउथ की तरफ है। इस प्रकार से अपन एरो बना लेते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है ना, चलो कंडीशन आपको क्या बोल रहा है, पहली वाली कंडीशन क्या कह रहा है इसके अंदर। मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें सबसे पहले उसको रीड करें, सबसे पहले आप रीड करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बी सिट इन द मिडिल ऑफ द रो, तो बी के बारे में एक लाइन बोल दी स्टार्टिंग में, बी आपका मिडिल रो के अंदर है। ठीक है ना, बी आपका मिडिल रो में है, यस
यस ओके ठीक है। तो मिडिल रो में आपके बैठे हुए हैं ठीक है ना। इन द गिवन अरेंजमेंट ईच मेंबर सिट द रो फेस द अनदर मेंबर्स ऑफ द रो, बी सिट इन द मिडिल ऑफ द रो। तो बी के बारे में एक बात बोल दी है, बी आपका मिडिल पे बैठेगा इन रो के अंदर। आपको पता है बी वाला इस वाले रो के अंदर बैठेगा, फर्स्ट वाले रो के अंदर ठीक है। कोई सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है तो बी मिडिल में बैठेगा, इसका मतलब बी आपका यहीं पे आ सकता है, तभी तो आपको मिडिल माना जाएगा आपका ठीक है। दोनों वाली कंडीशन में बी आपका दोनों के बीच में बैठे हुए 5% बैठे हैं, दो इसके राइट राइट हैंड साइड में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में बैठेंगे ठीक है ना। तो ये की लाइन ही हो सकती है। चलो आगे चलते हैं। तो बी सीट इन द मिडिल ऑफ द रो, 2% सीट बिटवीन द एम और एल, एम और एल के बीच में 2% बैठे हुए हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए डज नॉट सिट एट एंड द एंड ऑफ द रो। ए के बारे में एक बात बोल दी है क्या, कि ए आपको किसी भी एंड पे नहीं बैठा। ए जो आपको किसी भी एंड पे नहीं बैठा, इस बात को अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं ठीक है ना। ए आपका किसी रो पर नहीं बैठ सकता, कोने पर नहीं बैठा, इसका मतलब यह है कि ए आपका बी के राइट हैंड साइड में बैठ सकता है या फिर ए आपका बी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठ सकता है, दो ही कंडीशन आपकी बन सकती है ना। तो ए डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, 2% सिट बिटवीन द ए और ई। अब क्या बोला, 2% ए और ई के बीच में बैठा हुआ, यानी कि एक से रिलेटेड करते हुए एक लाइन में मिल गया अपन को क्या, ए और ई के बीच में 2% बैठे हुए हैं, इसका मतलब ई आपका यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए और ई के बीच में आपके 2% बैठे हुए हैं, तो ई आपको तब इधर आएगा, तभी तो 2% होंगे आपके, एक तो ये वाला पर्सन हो गया, एक बी हो गया, इसके हिसाब से ई आपका यहाँ पे आएगा, तभी आपके 2% हो पाएंगे। तो ये हो गया ए, अपना ऑलरेडी बी हो गया ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ओ डज नॉट फेस ऑफ सी, यानी एक ओ के बारे में क्या बोल दी है कि ओ आपका जो है सी को फेस नहीं करता। चलो इस लाइन को अपन स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द वन वो फेस बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। क्या बोला ये, जो पर्सन बी को फेस करता है, यानी कि ये वाला पर्सन बी को फेस कर रहा है, क्योंकि बी आपका यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाला कर रहा है ठीक है ना। जो पर्सन बी को फेस करता है, द वन वो फेसेस द बी सिट सेकेंड राइट ऑफ एल, जो आपका एल के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अब आपको पता है ये वाला पर्सन एल के सेकेंड राइट में, एल आपका यहाँ पे आएगा तभी सेकेंड राइट में आएगा। आपको पता है कि ऊपर वाले रो का फेस साउथ की तरफ है, तो राइट हैंड साइड अपन इधर चलेंगे, तो एल आपका यहाँ पे हो तभी सेकंड राइट में आपका ये वाला पर्सन आएगा ठीक है ना। तो बेसिकली एल के बारे में इसने इनडायरेक्टली बताया है, जो पर्सन बी की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, एल के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, इसका मतलब एल आपका यहाँ पे होगा, तभी ये वाला पर्सन सेकंड राइट में आपका आएगा ठीक है ना। अब देखिए एक लाइन अपने बीच में छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्या 2% आपके बैठे हुए हैं, 2% सीट बिटवीन एल और एम, एम और एल ठीक है। 2% आपके एम और एल के बीच में बैठे हैं, इसका मतलब एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मतलब आपका एम आपका यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ना। ये बात आपकी कंफर्म हो चुकी है। ए डज नॉट सिट एंड एंड ऑफ द रो, ये तो हो गया आपका, और 2% आपके ए यू के बीच में बैठे, ये भी हो गया आपका ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन पी और ओ। क्या बोला है इसने, पी और ओ के बीच में आपके केवल एक ही पर्सन आपका बैठा हुआ है, पी और ओ के बीच में ठीक है। तो पी और ओ के बीच में अगर एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो पी आपका कहाँ पे आएगा, ये अपन को देखना है ठीक है। अपने एक एक लाइन ये वाली लाइन और अपने मिस कर दी है ये वाली, कि द वन वो फेसेस एम, जो आपको एम को फेस करता है, इमीडिएट नेबर आपका सी का है ठीक है। क्या बोल दिया इसने इस बात को, इसने एक बात बोल दी है, जो पर्सन एम को फेस करता है, यानी कि ए आपका एम को फेस करता है, सीधी सी बात यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए जो है आपका एम को फेस कर रहा है, याद रखना है यहाँ पे, ये वाला पर्सन आपका एम को फेस कर रहा है। जो पर्सन एम को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है किसका, सी का, यानी कि सी ए के बगल में कौन आएगा आपका, सी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए तो ये वाला पर्सन सी के बगल में आना चाहिए, लेकिन सी के लिए कोई पोजिशन नहीं बची यहाँ पे, यहाँ पे पहले बी बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका ई बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, ये वाली जो कंडीशन अपन ली है ये आपकी हो गई है एलिमिनेट, यानी कि ये हो गई आपकी रॉन्ग ठीक है। यानी कि ये वाला जो अपना चल रहा है ये एकदम सही चल रहा है, ये जो अपना चल रहा है, इसको सी को मैं ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ये अपने लिख दिया सी, क्योंकि ये बोला है जो पर्सन एम को फेस करके बैठा हुआ है वो सी का इमीडिएट नेबर है, इस प्रकार से हो गया ठीक है। बचा कौन अपना, ए बी सी हो गया आपका, डी हो गया, तो डी आपका यहाँ पे आ गया ठीक है ना। ए बी सी डी, ये वाली रो में आपके सारे पर्सन आपके बैठ गए। अब आपको एक बात इसने बोली थी क्या, जो पर्सन मतलब ओ डज नॉट फेस सी, जो आपका ओ है सी को फेस नहीं करता, यानी कि ओ आपका यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है ना। ओनली 1% सिट बिटवीन द पी और ओ, पी और ओ के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा और पी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर ओ और पी इधर होंगे तभी आपका एक पर्सन बैठेगा, जो है आपका एम है ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो एल एम
एन, एन आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका एन इस प्रकार से। तो फाइनल कंडीशन आपकी क्या बनी है, फाइनल कंडीशन आपकी ये बनी है, इसको तो अपन मिटा देते, ये तो आपकी गलत हो गई है, ठीक है। तो फाइनल जो आपका डायग्राम बना है वो आपका ये वाला बना है, राइट हैंड वाला, जो आपका एकदम सही बना है, ठीक है ना, जो आपका एकदम सही बना है, ये वाली कंडीशन आपकी एकदम सही बनी। इसको मैं यहाँ पे साफ तरीके से लिख देता हूँ, पी एम ओ एन और एल, ठीक है। इस प्रकार से सामने इसके फेस कर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है, डी बैठा हुआ है, ठीक है, बी बैठा हुआ है, फिर ए बैठा हुआ है, फिर सी बैठा हुआ है। अब इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन अपने होंगे वो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, वो सिट द मिडिल ऑफ द रो सेकंड। रो सेकंड के अंदर आपको बताना है मिडिल पे कौन बैठा हुआ है, रो सेकंड के अंदर आपको पता है रो सेकंड कौन सी थी आपकी, ऊपर वाली थी, तो मिडिल में आपको कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है, तो ओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी। आप देख सकते हैं फाइनल में आप बना भी रखा है पहले से ही, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो अमंग द फॉलोइंग फेस एन, कौन सा पर्सन ज्यादा आपका एन को फेस करता है, एन को फेस करता है आपका डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हाउ मनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेस डी एंड पी, आपको बताना है जो पर्सन डी को फेस करता है और पी के बीच में कितने पर्सन आपके बैठे हुए हैं। जो पर्सन डी को फेस करता है, जो पर्सन डी को फेस करता है, यानी कि एन के बारे में बात करें क्योंकि डी को फेस करता है, और एन और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो दो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि टू, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। वो सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में आपको बताना है कौन बैठा हुआ है, ई के थर्ड लेफ्ट में आपको कौन बैठा हुआ है, ई के थर्ड लेफ्ट में ई आपका ये रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए बैठा हुआ है ई के थर्ड लेफ्ट में, तो इसका हो जाएगा आपका ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ आपका, ए बैठा हुआ है, ऑप्शन जाएगा इसका आपका ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट अबाउट फॉर बी, बी के बारे में आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका सही है, ओनली 2% बैठे हुए हैं बी एंड द वन हु फेस पी, बी और जो आपका पी की तरफ फेस करके बैठा हुआ है उसके बीच में 2% बैठे हुए हैं, नहीं उसके बीच में आपका केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा आपका गलत। क्या बी का फेस एन की तरफ है, नहीं बी का फेस तो आपका ओ की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या बी सीट सेकंड तो राइट ऑफ ए, क्या बी सेकंड राइट में बैठा हुआ है ए के, क्या बी सेकंड राइट में, नहीं इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्या आपका डी इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, क्या आपका डी जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है बी के, नहीं डी तो आपका इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, सारे ही आपके गलत हैं इसमें। डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सभी आपके गलत हैं। बी सीट सेकंड राइट ऑफ ए, बी जो आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ, नहीं तो नन ऑफ देम अबव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बना है स्टूडेंट, ये आपका टाइप नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है, टाइप नंबर थर्ड। और अपन जो इसके बाद जो देखेंगे, और अपन देखेंगे सर्कल वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे सर्कल वाले क्वेश्चन, जो आपके 8% आपके बैठते हैं सर्कुलर के अंदर, गोलाकार के अंदर जो बैठते हैं पर्सन उनके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके गोला होता है उसके अंदर आपके जो पर्सन बैठे रहते हैं, 8 बैठते हैं, 10 बैठते हैं, 6 बैठते हैं, और अपन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी 5th नंबर की, उसके अंदर अपन सर्कुलर वाली जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी है। आई होप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेशन को बार बार आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आशुतोष सर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड करवाने वाले हैं, मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। अपन वापस से मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन देखेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।